क्या है कांग्रेस के डीएनए में, किसानों का विरोध या कुछ और? आपको बता दें, कल केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में किसान विरोधी होने का कांग्रेस को दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मक के साथ किसानों की चर्चा करती है। आप पहले शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। आपके समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए। इनकी सरकार ने इनकार कर दिया था, माननीय अध्यक्ष महोदय के नहीं किया जा सकता, इनकार कर दिया। मेरे पास दस्तावेज है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कैबिनेट नोट जो मैंने राज्यसभा के पटल पर रखा था, इनने माननीय अध्यक्ष महोदय साफ इनकार किया। इनके मंत्री कांतिलाल भूरिया थे, कैबिनेट नोट भी टेबल कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनमें जिसमें इन्होंने किसान के पीठ में छुरा घोंपते हुए कहा था 50% लाभ देकर कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती। ये हाथी के दांत जो खाने के और है और दिखाने के और है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई गुना माननीय अध्यक्ष महोदय कई गुना MSP के दामों को बढ़ाया गया है। शिवराज सिंह चौहान के अनुसार किसानों के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, सिवाय इंदिरा गांधी ने लेवी वसूली और राजीव गांधी ने कभी किसान हित में कुछ निर्णय लिया ही नहीं। अगर पूर्व मंत्री रहे मनमोहन सिंह की बात करें तो उन्होंने कृषि से जुड़े उद्योगों के लिए डी लाइसेंसिंग के आरोप लगाने का भी उद्देश्य रखा है। शिवराज सिंह चौहान की बातों से तो ये लग रहा है कि कांग्रेस 17 वर्ष के कार्यकाल में खेती से जुड़े कुछ भी नहीं कर पाए, बस भारत को अमेरिका से आयात रूप में सादा लाल गेहूं खाने के लिए विवश करती रही। उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ भी करी, उन्होंने कहा कि कृषि सर्वांगीण विकास के लिए मोदी सरकार ने रोड मैप बना रखा है और उस पर काम भी किया जा रहा है, जिससे भारत 2047 तक भारत विकसित बन सके, जो मोदी जी का सपना है। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि को लेकर जो कांग्रेस आरोप लगाती आई है कि आपने MSP पर बात नहीं करी, किसानों को लेकर बात नहीं करी, उन सभी सवालों पर जवाब देते हुए कांग्रेस को, विपक्ष को कल राज्यसभा में चुप कर दिया है। आपको कृषि मंत्री की यानी कि शिवराज सिंह चौहान की बातें कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।